हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो दोपहर के और सुबह के जो भी बोल सकते हैं, 12:15 बज रहे थे और मेरे घर में अभी तक कुछ काम मैंने किया नहीं था, बस ब्रेकफास्ट बनाया था। तो सबसे पहले मैंने चाय पीना शुरू किया और मेरे पास ये 15 मिनट का टाइम था क्योंकि 12 बजे मुझे अपने बच्चे को स्कूल से पिक करने जाना था। तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद सोचूंगी कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने सबसे पहले घर क्लीनिंग का काम लिया। तो मैंने सोचा कि कल मैंने मॉपिंग किया है तो आज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा दिया घर में, पूरी अच्छी तरीके से झाड़ू लगाना ज़रूरी हो जाता है। कल मैं मॉपिंग किया था तो घर क्लीन ही था, तो आज लेट हो गई थी, पता नहीं क्यों मैं सो गई थी। मैंने बेटे को स्कूल छोड़ा और मोबाइल देखते देखते मुझे नींद आ गई। ये मोबाइल बहुत सब फसाद की जड़ ये मोबाइल होता है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। और मैं सबको ज्ञान दे रही हूँ लेकिन मैं खुद ही फॉलो नहीं करती। मोबाइल की वजह से बहुत काम बिगड़ते हैं और आउटकम बहुत कम आता है, इसीलिए मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं मोबाइल कम देखूँ। तो आज तो जो होना था हो गया था। अभी 15 मिनट में मुझे फटाफट जितना हो सकता था उतना काम करके जाना था क्योंकि प्रियांश के स्कूल से आने के बाद मुझे और भी घर के काम होते हैं, जैसे लंच बनाना है, प्रियांश को नहाना है और खुद भी नहाना है। तो ये सब काम मैं उसके आने के बाद ही करती हूँ। तो मुझे किचन क्लीन करना था, जनरली मैं ये कर लेती हूँ पहले ही चाय के साथ सुबह प्रियांश को स्कूल भेजने के बाद, लेकिन कभी कभी होता है इंसान थोड़ा सा अवॉइड कर देता है कामों को जिसकी वजह से लेट हो जाता है। तो आज वही दिन था मेरे साथ। तो लेकिन मुझे अभी स्कूल से लाने से पहले पूरा घर क्लीन करना था, 12 भी बजने वाले थे। तो मैंने आज प्रियांश को ब्रेकफास्ट में दिया था व्हाइट सॉस पास्ता, उसका फेवरेट, और ये मैदे का पास्ता नहीं था, बिल्कुल सूजी वाला पास्ता मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए। तो सबसे पहले मैंने जितने भी कंटेनर्स थे किचन के, झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा कि मैं प्लेटफॉर्म साफ कर देती हूँ किचन का, क्योंकि वो साफ़ हो जाता है तो लंच बनाने में अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जितने भी लेफ्ट ओवर फूड है मैंने उसके छोटे छोटे कंटेनर्स में रखे और सब बड़े बड़े कंटेनर्स को निकाल दिया, ज़्यादा बर्तन नहीं था क्योंकि मैं रात में धो के सोती हूँ। तो थोड़ा सा ही था जो भी ब्रेकफास्ट का था, और प्रियांश ने जो स्कूल जाने से पहले जूस और दूध पिया था वही सब का रहता है, मैं सुबह सुबह जूस लेती हूँ, तो ऐसा था। तो अब मैंने सोचा कि सबसे पहले प्लेटफॉर्म क्लीन कर देती हूँ अच्छे से, तो उससे होगा क्या अगर मेरे पास टाइम बचेगा, क्योंकि 12 बजने ही वाले थे, 12 बजने में 5 मिनट बाकी था और मेरे पास 2 काम थे, अगर मैं बर्तन धो लेती हूँ या लंच का प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी तो प्लेटफॉर्म तो क्लीन हो गया, अब 2 काम कर सकती हूँ। 12 बजने में अभी प्रियांश को लाने में मेरे पास 5 से 7 मिनट थे, तो मैंने सोचा कि देखती हूँ बर्तन भी थोड़े से हैं, जितने देर में बर्तन होंगे मैंने सोचा कि मैं बर्तन क्लीन कर देती हूँ और लंच आने के बाद स्कूल से लाने के बाद मैं बनाऊंगी। तो मैंने फटाफट स्टार्ट करा बर्तनों का काम, और मुझे किचन क्लीन करना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं सब लोगों के पास एक अपना फेवरेट काम होता है हाउस होल्ड में, तो मेरा फेवरेट काम है, मुझे प्लेटफॉर्म क्लीन करना बहुत अच्छा लगता है कि मतलब बर्तनों को साफ करके अच्छे से क्लीन करके रख दूँ। और तो वही काम था, तो थोड़ा ज़्यादा बर्तन नहीं थे तो मैंने लग गई सबसे पहले सबको धोने में। तो माइंड में एक साइड में चल रहा था कि टाइम कहीं क्रॉस ना कर जाए, प्रियांश को लाना भी है, कहीं अगर उसे वेट करना पड़ा तो मेरी एक बैंड बजा देगा वो। तो एक साइड में मेरे मन में वो टाइम कैलकुलेट मैं कर रही थी, अभी 1 मिनट हुआ होगा, अभी 2 मिनट हुआ होगा, क्योंकि बिल्कुल कट टू कट पता नहीं क्यों आज मेरा बहुत लेट हो गया। जनरली ऐसा नहीं होता है, 12 बजे तक मेरा लंच का भी प्रिपरेशन हो जाता है, तो आज मेरा सिर्फ लेट हो गया है। कोई नहीं, कभी कभी चलता है, हम लोग भी तो इंसान है, कभी कभी इधर शेड्यूल इधर उधर करना बनता है। तो उसके बाद फिर बर्तन हो रहे थे और साथ में मैं टाइम को कैलकुलेट कर रही थी और सोच रही थी कि आज लंच में मैं क्या बनाऊंगी, क्योंकि इंस्टेंट में कुछ बनाना होगा क्योंकि लेट हो गया सारे कामों में, तो आज सारे काम लेट होंगे, आने के बाद मुझे नहाना भी होगा। तो फाइनली बर्तन सारे क्लीन हो गए थे, प्लेटफॉर्म भी साफ हो गया था। तो जितने भी मुझे प्लेटफॉर्म सूखा हुआ बहुत अच्छा लगता है, जनरली रहता नहीं है क्योंकि खाना वाना कुछ कुछ बनते रहता है तो प्लेटफॉर्म तो गंदा होते ही रहता है, लेकिन तब भी जितने देर हो सके मैंने उतने देर के लिए और मेरा रेडी हो गया था। और किचन ये बिल्कुल क्लीन मैंने कर दिया था, 12:05 हो गया था, अब टाइम था कांताबाई से बन के जाने का, अभी मॉम बन के जाना था। तो मैंने ऊपर का टॉप से चेंज करा, नहाया तो मैं थी नहीं क्योंकि नहाने का टाइम अब मेरे पास नहीं था, तो मैं आने के बाद ही नहाऊंगी। तो मैंने सिर्फ टॉप चेंज किया और मैं रेडी हो गई, और पता नहीं क्यों मैंने हेयर स्टाइल बनाया, पफ बनाया, मेरे पे पफ बिल्कुल भी सूट नहीं करता, तो मैंने अपने हेयर स्टाइल को वापस से चेंज कर दिया। तो अब चली गई मैं अपनी धनों को उठा के प्रियांश को लाने के लिए, उम्मीद करती हूँ आज लेट नहीं हुआ होगा, अगर उसे वेट करना पड़ेगा तो वो बहुत किचकिच करेगा। और मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंची थी, अभी बिल्कुल टाइम नहीं हुआ था, अभी पहले बस चिल्ड्रन जा रहे थे तो बसेस में जैसे ही एंट्री ली बसेस निकल गए, उसके बाद छोटे बच्चे आ गए थे, तो मैंने अपने बेटे को पिक किया और ये
इसे अभी मैंने अभी नया हेडफोन ला के दिया है और ये पूरे टाइम स्कूल में लगा के रखता है। फिर उसके बाद मैंने ग्रोसरी शॉप से अपने लिए घर के लिए दूध उठाया, उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। प्रियांश की लॉट्स ऑफ बातें, स्कूल की बातें जो ख़त्म नहीं होती है, इस तरह से बीता आज का मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ फॉलो मी।